दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं देख सकते ये मेरे पास फोटो है, इसको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डायरेक्ट पकड़ के फोटोशॉप पे ले जाते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको फोटोशॉप भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं शॉर्टकट तरीका से डायरेक्ट फोटो पकड़ के पासपोर्ट साइज फोटो डायरेक्ट फोटोशॉप में खोल लेता हूँ, देख सकते हैं। और आपको दूसरा प्रोसेस है कि फाइल पे जाना है और ओपन पे जाना है, और आपको जो जिस फाइल पे आपको होगा डेस्कटॉप होगा तो डेस्कटॉप पर भी से निकाल सकते हैं। देखिए यही फोटो है, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, और नहीं तो आपको डबल क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन पे, डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको फाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ। तो सबसे पहले होता है कि आप फोटो को सीधा करना है, तो सीधा कैसे करेंगे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद रोटेट कैनवस लिखा हुआ, उसके बाद 90°CW पर क्लिक करना है, देख सकते हैं फोटो सीधा हो गया। सीधा हो जाने के बाद आप यहाँ से फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप टूल लेना है, क्रॉप टूल पे जाना है आपको, और वेट आपको 1.2 इंच रखना है, और हाइट 1.6 इंच रखना है, और रिजोल्यूशन है आपको 300 रखना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप कर लेना है, क्रॉप कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं कीबोर्ड से, अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, देख सकते हैं इतना मैं क्रॉप कर दिया हूँ, ये प्रॉपर हो गया। इसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको ये क्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस करना है आपको, जूम आउट होगा, और जूम कम करने के लिए कंट्रोल माइनस, ठीक है, जूम इन कंट्रोल प्लस और जूम इन कंट्रोल माइनस। उसके बाद आपको करना, देख सकते हैं चेहरे पर जो ये देख सकते हैं चेहरे पर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, यहाँ व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, तो यहाँ ब्लैक यहाँ व्हाइट दिख रहा है, तो हमको पूरा एक जैसा चेहरा करना है, ठीक है। एक जैसा चेहरा करने के लिए देख सकते हैं यहाँ जो ब्लैक है तो ब्लैक पर क्लिक करते हैं, क्योंकि व्हाइट से ब्लैक तो जल्दी होगा नहीं, उसके बाद ब्लैक से व्हाइट तुरंत हो जाएगा। तो तुरंत मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं सबसे पहले आपको ब्लैक पर क्लिक करना है, ब्लैक पर जैसे सिलेक्शन टूल लेकर ब्लैक पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं मेरा चेहरा जहाँ जहाँ ब्लैक है टोटल आपका सेलेक्ट कर लिया। सेट करने के बाद सेलेक्ट पर जाना, आपको फेदर पर जाना है, ठीक है। फेदर पर जाने के बाद ओके करना है, ओके करना, उसके बाद आपको कंट्रोल और एम प्रेस करना है। कंट्रोल एम प्रेस जैसे ही कीजिएगा आपका ये आपको कर्व खुल जाएगा, ठीक है, कर्व खुल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वाइट ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो डिसलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। अब देखिए चेहरा यहाँ थोड़ा मैच कर गया ना, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं ये साइड से जो ब्लैक था वो सिलेक्शन हो गया। उसके बाद सिलेक्ट पे जाना, फिर से वही फेदर पे, और ओके प्रेस करना। फेदर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो मान लीजिए इतना दूर से ब्लैक होगा तो यहाँ पर जो इसका जो आरी होता है, मतलब जो लाइनिंग जो होता है साइड वाला किनारा, वो दिखे नहीं कि मैं व्हाइट किया हूँ, ठीक है। इसलिए फेदर पे करने से होता है कि ये चेहरा मिला देता है आपस में। उसके बाद फिर से कंट्रोल एम प्रेस करना आपको, और थोड़ा सा व्हाइट कर देना है आपको, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा देना है कर को, देख सकते हैं या ओके कंट्रोल डी डिसलेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेहरा को जूम कर लेता हूँ, देख सकते हैं। अब ये चेहरा पर जो ये देख सकते हैं यहाँ पर दाग है, ये सब दाग इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर हीलिंग ब्रश टूल नहीं होगा तो इसको माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा, ब्रश टूल हीलिंग ब्रश टूल दोनों काम एक ही होता है, लेकिन मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ। उसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पर ही अल्ट प्रेस करना है, जहाँ पर आपका स्मूथ चेहरा देख सकते हैं, यहाँ पर स्मूथ चेहरा है, तो इसको अल्ट प्रेस करना है यहाँ पर जाके, और माउस का लेफ्ट बटन पर एक क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने से मेरा होता है क्या है कि वहाँ का जो मास होता है वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी आपका माउस का राइट लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा वो हट जाएगा, देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं हट गया, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया। इसी तरह मैं पूरे चेहरे को जहाँ जहाँ दाग है वहाँ वहाँ मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी हटा लेता हूँ, अलग अलग
देख सकते हैं हट गया। उसके बाद करना क्या है कि कंट्रोल एल प्रेस करना है आपको, कंट्रोल एल प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद लेवल खुल जाएगा, कलर मतलब व्हाइट का जो ब्राइटनेस होता है उसको बैलेंस करने वाला आपका ये मीनू खुल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं और व्हाइट को थोड़ा सा कर देते हैं इधर, देख सकते हैं चेहरा व्हाइट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको इधर अपने हिसाब से आपको बैलेंस करना है, फोटो के अकॉर्डिंग आपको काम करना है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दिया तो आपको इतने पर रखना है, ठीक है, फोटो के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसके बाद इसको इतना कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक है, यहाँ काम खत्म। उसके बाद एक लेयर आपको यहाँ करना है, लेयर किस लिए करना है क्योंकि देख सकते हैं चेहरा पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी भी हमको, इसको स्मूथ करने के लिए आपको एक लेयर कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है और यहाँ ब्लर दिख रहा है, ब्लर जाना है और गोजियन ब्लर पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके प्रेस करना है, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक मास्क तैयार करने के लिए आपको अल्ट बटन प्रेस करना है, यहाँ पे एड लेयर मास्क पर क्लिक करना है, अल्ट दबा के माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करना है। देख सकते हैं एड लेयर मास्क, अब मेरा मास्क तैयार हो गया है, अब मास्क तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको ब्रश टूल लेना है, यहाँ पर ब्रश टूल लेने के बाद ओपेसिटी को आपको 100 नहीं रखना है, ओपेसिटी को आपको 50 रखना है, ठीक है, 50 इससे कम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से को चेहरे पे स्क्रब करना है, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आपको इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर देना है, ठीक है। देख सकते हो गया। अब आपको ये जो लेयर होता है लेयर, इसको एक लेयर करना है, ठीक है। एक लेयर करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करना है, देख सकते हैं लेयर एक हो गया, मर्ज हो गया लेयर। उसके बाद आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको छोटा करना है, ठीक है, मतलब सॉरी उसको हटाना है, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल तभी काम करता है जब पीछे का कलर एक जैसा हो, तो इसलिए आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग पीछे का कलर जो है या तो हरा रखिए या फिर एक ही कलर रखिएगा, जो भी रखना है वही कलर पे आप फोटो खींचे, ठीक है, ताकि उसमें आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने में आपको सहायता मिले। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको पीछे सेलेक्ट कर लेना, देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरा एक कलर है उसके बाद सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जहाँ पर नहीं हुआ उसके बाद आपको शिफ्ट बटन दबाना है, सिर्फ बटन दबाने के बाद आपको वहाँ पर इस तरफ सेलेक्ट कर लेना, देख सकते हैं आप सिलेक्ट हो गया मेरा पूरा। सेट करने के बाद आपको ये नीचे वाला ये लेना है, आपको नीचे वाला जो ब्लैक दिख रहा है ये लेना है। उसके बाद नीचे वाला कलर पर सेलेक्ट करना ब्लैक पर, उसके बाद आपको जो कलर लेना है अपने हिसाब से, तो मैं यही कलर ले लेता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। उसके बाद जैसे एडिट करते हैं देख सकते हैं पूरा आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने बैकग्राउंड पूरा आपको चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अभी भी देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ये छूट गया दाग, देख सकते हैं यहाँ छूट गया है, तो इसको हटाने के लिए आपको आई ड्रॉपर टूल लेना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है बाहर में, उसके बाद ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल लेने के बाद ओपेसिटी को 100 रख दीजिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ से आपका छूट गया है उस पर इस तरह क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं टोटल आपका हट जाएगा, ठीक है, टोटल हट जाएगा जहाँ जहाँ से आपका लग रहा है कि यहाँ से हटना चाहिए। तो पूरी अच्छे तरह से आपको हटा लेना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मैं पूरी में पीछे से थोड़ा थोड़ा भी अगर बैकग्राउंड का आपको दिक्कत लगे तो उसको हटा लेना है, देख सकते हैं हटा लिया। हटाने के बाद आपको पीछे का जो बॉर्डर है बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है आपको, ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करने से आपको होता है कि पीछे का जो पूरा सिलेक्शन है ना उससे जितना फोटो का जो किनारा साइड होता है चारों बगल का टोटल सिलेक्शन आपको ले लेगा, ठीक है, टोटल सिलेक्शन ले लेगा, तो कंट्रोल ए प्रेस करने से आपको टोटल सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसलिए हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट पे आपको जाना है, मॉडिफाई में बॉर्डर पे जाना है और टू में करके ओके करना है।
और ये जो इधर जो ब्लैक है उसको नीचे रखना है, आपको नीचे ब्लैक कर देना है और डिलीट बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपका देख सकते हैं बॉर्डर बनकर तैयार हो गया, कंट्रोल डी डिसलेक्ट। उसके बाद न्यू पे जाना है, A4 पेपर ओके ले लेना है। उसके बाद आपको ये मूव टूल में सेलेक्ट करके फोटो को इधर प्रेस करके इस पर ले आना है, ठीक है। लेते आते हुए आपको इस पर जितना पीस बनाना है उसको कंट्रोल और अल्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट और अल्ट प्रेस कीजिए तो डबल हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट और अल्ट प्रेस करते हुए आपको डबल कर देना है माउस के लेफ्ट बटन दबाते के साथ। इसको जितना फोटो आपको निकालना है उतना फोटो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रिंट करना है तो प्रिंट विद प्रीव्यू में जाना है ताकि मुझे देखना है कैसा प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो ऊपर थोड़ा सा माथा कटा हुआ है तो उसको स्केल टू फिट मीडिया करना है और प्रिंट पर जाना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, जाने के बाद प्लेन पेपर को नहीं अदर पेपर सेलेक्ट करना है आपको, फोटो पेपर अदर फोटो पेपर नॉर्मल को हाई करना है या फिर नॉर्मल अपने हिसाब से। A4 पेपर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है, ठीक है। ओके प्रेस कर तो देख सकते हो आप प्रिंट कैसा हुआ है, देख सकते हो यही फोटो है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। तो देख सकते हो ये ब्रदर DCP-T420 का प्रिंटर है और देख सकते हो ये प्रिंट हो गया है। तो मैं आपको इसका क्वालिटी दिखाता हूँ कैसा क्वालिटी, इससे आप प्रिंटर का क्वालिटी जान पाइएगा। देख सकते हो ये क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और पूरा HD क्वालिटी में ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।